देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान संकट पर G20 बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कट्टरपंथ, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का आह्वान किया। साथ ही अफगान नागरिकों के लिए तत्काल व निर्बाध मानवीय सहायता का आह्वान किया। बैठक में पीएम ने यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया कि अफगानिस्तान का क्षेत्र कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत न बने। उधर कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम से क्षेत्र में तथा इससे परे स्पष्ट चिंता उत्पन्न हुई है और काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन को बढ़ावा देना एवं यह सुनिश्चित करना व्यापक रूप से जानी पहचानी प्राथमिकताएं हैं कि अफगानिस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद का समर्थन करने के लिए न हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह टिप्पणी एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसिम मार्ट तोकायव के साथ यहां संयुक्त बैठक में की। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम से क्षेत्र में और इससे परे स्पष्ट चिंता उत्पन्न हुई है तथा काबुल में एक समावेशी सरकार को के गठन को बढ़ावा देना एवं यह सुनिश्चित करना व्यापक रूप से जानी पहचानी प्राथमिकताएं हैं कि अफगानिस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद का समर्थन करने के लिए न हो। अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों के कुछ समय बाद अफगानिस्तान के उप सदस्य किए गए तालिबान ने 20 साल बाद गत अगस्त के मध्य में पश्चिम समर्थित निर्वाचन सरकार को अपदस्थ कर अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया था। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।